Hey guys, मैं हूं समीर और आ गया मैं एक और नए वीडियो के साथ। तो आज का कुछ ऐसा नॉर्मल सा टॉपिक है, मेरे वीडियो का कुछ ज़्यादा खास नहीं है, कोई अनबॉक्सिंग नहीं है, बस एक चीज़ बता रही थी। मैं कोई देख रहा होगा ट्विटर की टी शर्ट मैं पहना हुआ हूँ। वीडियो चालू करने के पहले बता दो, ये रहा मेरा देखो यूट्यूब सेटअप, यही है मेरा यूट्यूब का मतलब जो मैंने बैकग्राउंड पर बनाया, और ये मैंने शीट से बनाया, आप देख सकते हो खुद ने बनाया। अच्छा लग रहा है कि लाइक कर देना इसी बात पर भाई के वीडियो को। तो अभी बढ़ते वापस हमारे मेन कंसेप्ट। हाँ तो भैया क्या हलचल, मैं हूँ समीर, मैं आ गया हूँ एक और नए वीडियो के साथ, मेरा जो कि समीर से गैस्ट्रोनॉमी टेक्निकल चैनल है। तो गाइस आज के टॉपिक में आपको ये बताना था कि मैं जो ट्विटर की टी शर्ट पहना हुआ मेरे को कैसे मिली थी। तो गाइस सभी ने मूड इंडिगो का नाम सुना होगा। तो गाइस सीधी बात बताऊँ, मैं गया था मूड इंडिगो। मूड इंडिगो तो आपने सुना होगा आई टी बॉम्बे का एशिया का सबसे बड़ा कल्चरल फेस्ट होता है, जिसके अंदर मतलब मेरे ख्याल से हर साल 1-2 लाख से 1.5 लाख तक प्लस स्टूडेंट्स आते हैं और बाहर से स्ट्रेंजर्स भी आते हैं इसके अंदर। तो काफ़ी अच्छा फेस्ट होता है, आईआईटी बॉम्बे का कल्चरल फेस्ट होता है। मैं बता नहीं सकता, 5 दिन मैंने इतने मज़े करे, मेरे कॉलेज वाले दोस्तों के साथ गया था, मतलब इतने मज़े करे कि बता नहीं सकता। तो अब आते हैं मुद्दे पे, टी शर्ट कैसे मिली। तो मैं मूड इंडिगो आया था, आप सभी को बता दिया मैंने मूड इंडिगो क्या होता है। अब आईआईटी बॉम्बे के साइट पर जाकर विजिट करके मूड इंडिगो पर जाके देख सकते हो। हर साल होता है दिसंबर के टाइम पर इवेंट, आप भी जाओ, मैं तो ये चाहता हूँ बिल्कुल जाना, बहुत मज़ा आता है। 5 दिन के अंदर अकोमोडेशन करा लेना, अकोमोडेशन का सीन ये रहता है अगर आपने अकोमोडेशन करा ले तो 5 दिन वहीं स्टे रहेगा उनके हॉस्टल में, तो आप समझते हो मुंबई के अंदर कितना खर्चा है, मतलब मुंबई बहुत महंगा है, बता दूँ मैं आपको। बहुत मज़ा आया। अब आते हैं टी शर्ट कैसे मिली। टी शर्ट ऐसे मिली, हम मतलब डेली घूमते रहते, अब वहाँ इतने सारे स्पॉन्सर्ड रहता, ट्विटर भी उनमें से एक स्पॉन्सर्ड था, मतलब स्पॉन्सर्ड करा था। ट्विटर का जो स्टॉल लगा था वहाँ पर कॉम्पिटिशन चल रहा था, मतलब एक टॉपिक था बेस्ट ट्वीट कर दो, मतलब सिंगल के ऊपर। मेरे को मेरा टॉपिक याद है कि प्रथम में और ऋषभ जा रहे थे साथ में, हमको मिला था, हम गए वहाँ पे, हमने मैम कौन सा कंपटीशन चल रहा है, मैम से पूछा, एक मैम थे वहाँ पे, तो मैम ने बोला सिंगल करके हैशटैग चल रहा है बेटा, इसके ऊपर अच्छा सा कम मतलब एक अच्छा सा ट्वीट करो और अपने ट्विटर आईडी से पोस्ट कर दो जो उनका हैशटैग था, मतलब वहाँ पे दो हैशटैग चल रहे थे, एक सिंगल करके और एक ट्वीट उनका जो कि मतलब आईआईटी बॉम्बे से अपन ने ट्वीट करा, एक डेडिकेटेड हैशटैग वो चल रहा था, ताकि उन्होंने इसलिए डलवाया ताकि उसे देख पाए वो सर्च में कि जो जो ने ट्वीट करे दिख जाएंगे। सीनियर हुआ था, हमको पता ही नहीं, हम मजे से घूम रहे हैं, इन्जॉय कर रहे इवेंट, तो हमको एकदम से याद आया हमने ट्वीट करा था सिंगल के ऊपर, वो सिंगल जो भी उन्होंने हमको हैशटैग दिया था, एक बार जाके देखे तो सही वहाँ पे जाके कि हमारे ट्वीट सिलेक्ट हुआ ही नहीं। तो हम गए वहाँ पर, हमने बोला मैम हमारा ट्विटर ट्वीट सिलेक्ट हुआ ही नहीं, तो उन्होंने बोला हाँ आपका ट्वीट सिलेक्ट हुआ और प्रथम को उन्होंने विनर बनाया था, मतलब प्रथम सोचो उस चीज़ का विनर, और उसी कारण से प्रथम को तो मग भी मिला था, एक बैग मिला था और टी शर्ट मिली थी, और ऋषभ वर्मा को एक एक टी शर्ट मिली थी। तो काफ़ी अच्छा लगा था हमको, मतलब खुशी हो रही थी, हमको तो कोई उम्मीद नहीं थी हमारा ट्वीट सिलेक्ट होगा, और हम दोनों को ऋषभ वर्मा को टी शर्ट मिली, प्रथम को एक मग और एक बैग मिला था। तो उस टाइम हमको, और मैं आपको ट्वीट भी दिखा देता हूँ, ये देखो हमारा ट्वीट वहाँ डिस्प्ले पर शो हो रहा था, तो आपने देख ही लिया होगा मेरा ट्वीट डिस्प्ले पे शो हो रहा था। उस टाइम हमें बहुत खुशी हो रही थी, हम बता नहीं सकते इतनी खुश हो थे। तो गाइस यही था मेरे को बताना था, मेरे को ट्विटर की टी शर्ट कहाँ से मिली थी, कि तुम्हारा भाई ने जीती है मेहनत से, तो काफ़ी खुशी होगी। तो गाइस वीडियो पसंद है तो लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और ऐसी ऐसी अच्छी वीडियोज़ लाता रहूँगा, और भी मेरे को मूड इंडिगो से गिफ्ट मिले तो वो वीडियोज़ मैं बनाऊँगा, स्टे ट्यून करना चाहता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।